नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल चंद्रिकास हेल्दी रेसिपी। चिवड़ा बनाने के लिए मैं ली हूँ 500 ग्राम पोहा, 1 कप मुरमुरा, करी पत्ते, 2 अनियन को मैं इसे काट के पतली पतली से ली हूँ, हरा धनिया, लहसुन के 6 कले लहसुन के, हरी मिर्च, फ्राई किया हुआ मूंगफली, नमक, 1/4 कप चीनी, 1 बड़ी चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा, इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। दरदरा सा मैं ग्राइंड कर ली हूँ। कढ़ाई में मैं 3 बड़ी चम्मच तेल ली हूँ। सबसे पहले मैं लहसुन को डालती हूँ, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया को मैं डालती हूँ, करी पत्ते। अब मैं डालती हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, पिसी हुई चीनी को मैं डालती हूँ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून चिल्ली पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, और बहुत ही अच्छे से मिला लेती हूँ, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। चिवड़ा का मसाला हमारा हो गया। अब मैं मूँगफली को ऐड करती हूँ। पोहा, मुरमुरा बहुत ही अच्छी तरीके से मैं मिला लेती हूँ। पोहा और मुरमुरा डालने के बाद हम 2 मिनट तक ऐसे भुनेंगे, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। 2 मिनट हो गया, ये देखिए फ्रेंड, रेडी हो गया हमारा क्रिस्पी चिवड़ा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।